top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. राजेश जी, इनका जो परमिट जारी किया गया है उसमें से इसमें से अधिकांश जो ऑटो हैं उनको तीन में पास है, वो तीन प्लस एक, मतलब एक सवार, एक ड्राइवर और तीन सवारियां। उनके विरुद्ध लगातार प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है। हर एक महीने मिनिमम 300 वाहन बंद किए जाते हैं टेम्पो, और लगभग 400-500 चालान किए जाते हैं प्रतिमाह। अब धुआं का तो, क्योंकि जो जो नॉन फिटनेस वाहन है, जिनको आप नॉन फिटनेस वाहन कहेंगे, इनको भी हम लोग बंद करते हैं। एक्चुअली इस समय पूरे के पूरे नोएडा में केवल सीएनजी वाहन ही चल रहे हैं, तो सीएनजी वाहनों में प्रदूषण अपेक्षाकृत कम होता है। इसके बाद भी जो अनफिट वाहन पाया जाता है तो ऐसे वाहन बंद किए जाते हैं लगातार। चार टीमें लगा दी गई हैं लगातार इसके लिए, जो सघन जाँच करती रहती है प्रदूषण की, और साथ में जो अवैध संचालन है उसमें अन्य जिलों से आने वाले टेम्पो, हमारे जिले के जो अनफिट वाहन हैं, हमारे जिले में जो ओवरलोड वाहन होते हैं, उन सबके विरुद्ध लगातार कार्रवाई चल रही है। जो कम उम्र के लड़के हैं अगर वाहन चलाते पाए जाते हैं तो वाहन को तत्काल सीज कर दिया जाता है मौके पर, और उसमें तब तक नहीं छोड़ा जाता जब तक कि वाहन का स्वामी आकर के एफिडेविट नहीं देता कि मैं भविष्य में ऐसे नाबालिग से वाहन नहीं चलवाऊंगा। 416 ऑटो बंद किए गए थे और 604 ऑटो चालान किए गए थे। क्रमिक रूप से इस पूरे वित्तीय वर्ष में माह फरवरी तक 3655 वाहन ऑटो बंद किए गए हैं और 5455 वाहनों को चालान किया गया है, ऑटो वाहनों को डिफरेंट धाराओं में। 1,08,00,000 रुपए हम लोगों को जुर्माना मिला है।